हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आज को हम बात करेंगे ईपीएफओ एसएसए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023। क्या कट ऑफ रह सकता है, शिफ्ट वाइज कट ऑफ क्या रहेगा। आज 21 तारीख है, कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कट ऑफ क्या जा सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल जो है हार्ड पूछा जा रहा है। तो वीडियो पे कंप्लीट देखना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा अगर आप कितने मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल। और अभी से स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं नंबर, यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी बात करें जो शिफ्ट वाइज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं 999 यूआर में वैकेंसी है, ईडब्ल्यू में 529 वैकेंसी, ईडब्ल्यू और ओबीसी में 514, एससी में 359, एसटी में 273, टोटल 2674 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अच्छी खासी वैकेंसी है, इसके कई गुना कैंडिडेट को, अगर 10 गुना कैंडिडेट को भी अगर यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है तो भी बहुत है, लेकिन 10 गुना कैंडिडेट को नहीं बुलाया जाएगा। कम से कम यह है कि हो सकता है पॉसिबिलिटी 20 गुना कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाए, इसके लिए कोई आइडिया नहीं है। लेकिन सेक्शनल कट ऑफ की अगर बात करें, जो इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी तय की गई है साथ में, लेकिन सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ रखी गई लेकिन टाइमिंग नहीं दे रखी, अच्छी बात है। नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का देखने को मिल रहा है। एग्जाम लेवल बात करें भाई, एग्जाम का लेवल बहुत ही फाड़ू पेपर देखने को मिला है, खासकर कुछ सब्जेक्ट का लेवल ऐसा है जो आउटस्टैंडिंग लेवल है, ऊपर ही लेवल है, ठीक है। पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड लेवल का पेपर देखने को मिला है। एवरेज स्टूडेंट के अगर मार्क्स की बात करूं बहुत ही कम देखने को मिला, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वोट पोल सब दिखाऊंगा, अभी बस वीडियो को कंप्लीट देखना और जाते जाते एक लाइक ठोक के जरूर जाना, ठीक है। कंप्यूटर का पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आया है, फाड़ू पेपर किसको कहते हैं, फाड़ू पेपर आया है कंप्यूटर में, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो पूछे थे उसमें सब की बोलती बंद कर दी गई है ईपीएफओ ने, ठीक है। अगर बच्चे फेल हुए सेक्शनल कट ऑफ में हुआ तो वो ही कंप्यूटर का पेपर होगा जो बच्चों के लिए शार्प साबित होने वाला है। मैथ्स जो था कैलकुलेटिव था, हालांकि पेपर अच्छा था मैथ्स का लेकिन कैलकुलेटिव था, टाइम टेकिंग ज्यादा था, तो कहीं ना कहीं बच्चों के मार्क्स भी कम आ सकते हैं। जीके हार्ड टू मॉडरेट देखने को मिला है। अब बात करते हैं एवरेज स्टूडेंट ईपीएफओ सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कितने आ रहे हैं, उससे पहले मैं कुछ बोर्ड दिखा देता हूं, उससे बाद बात करेंगे ईपीएफओ एसएसए में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बिल्कुल इज्जत से मैंने पूछा है कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 2 डेज आगो 3.2 के वोट यहाँ पे आए हैं, अधिकतर लोगों ने इज्जत से वोट किया है, 120 से 130 क्वेश्चन। अगर भैया अगर आपके आंसर की आने के बाद ये मार्क्स या क्वेश्चन आपके नहीं हुए ना, फिर आपके लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट अगर बात करूं जिन्होंने कमेंट में लिखे हैं सर ये फेक है, 120 से 130 बहुत नहीं आए, काफी लोगों ने अटेम्प्ट किए 120 से 130 लेकिन बच्चों ने लगा दी कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 120 से 130। हालांकि जो बच्चों के क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो हो सकते हैं 100 के आसपास हो, लेकिन 120 से 130 बच्चों के अटेम्प्ट है, नॉट क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। चलिए ईपीएफओ एसएससी का कट ऑफ क्या रहता है यूआर कैटेगरी का, तो यहाँ पे अधिकतर ने वोट किया है 450 460 के बीच, 45% लोगों ने वोट किया है कि जो कट ऑफ है वो इज्जत से लोगों ने यही किया है, 4.2 के वोट यहाँ पे देखने को मिला। अब बात करता हूं मेरी रामायण थोड़ी गा लेता हूं। देखो एवरेज ईपीएफओ सब्जेक्ट वाइज मार्क्स जो आ रहे हैं, जो हमें पता लगा है, जो चीजें हमने देखी है, जो चीजें स्टूडेंट से बात की है, हमने गए थे साइट पे तो चीजें हमने देखी है, जनरल एप्टीट्यूड में 30 में से 25 27 क्वेश्चन बच्चों के सही हो रहे हैं एवरेजली। जीके की बात करूं 14 से क्वेश्चन, अगर जिस बच्चे के 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसको मेरे पास लिया, मैं उसको प्रसाद दिलाऊंगा, ठीक है। क्वांटिटी एबिलिटी की बात करूं 30 में से 25 क्वेश्चन हो सकते हैं मे भी सही होंगे जी। और इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश कंप्रेशन में 38 से लेकर आप इसको 40 के 35 के बीच आप मान सकते हो, ठीक है। बात आती है कंप्यूटर, इसका पता नहीं क्योंकि इसका पेपर फाड़ू आया, बच्चे इसमें हो सकते हैं डाउट में, संदिग्ध में, इसकी सेक्शनल कट ऑफ कितनी होगी इसको किसी को आइडिया नहीं है। अब बात करता हूं कट ऑफ के बारे में भाई, कट ऑफ क्या आ जाएगा सर ये बता दीजिए, शिफ्ट वाइज कट ऑफ क्या रहेगा। देखो आपका नॉर्मलाइजेशन हो गई तो आपको पता है 21 तारीख आज एग्जाम है, 22 को एग्जाम है, उसके बाद 23 को एग्जाम है, आपको पता है कि शिफ्ट वाइज यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखने को मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन से आपकी कट ऑफ भी बढ़ेगी। हालांकि कुछ पेपर का लेवल जो है वो अभी संतुलित आ रहा है, मतलब हार्ड ही आ रहा है, धीरे धीरे अगर पेपर का लेवल और ज्यादा टफ आता है, मोटेड आता है तो बात अलग होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो बताया है वो अगर सुन लीजिए, यूआर कैटेगरी में अगर आपके 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अगर आपको लगता है मेरी यूआर कैटेगरी में 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको स्किल टेस्ट प्रिपरेशन करनी चाहिए, 110 क्वेश्चन सही होने वाले हैं। ओबीसी 102 क्वेश्चन अगर आपके राइट है तो बिल्कुल प्रिपरेशन करनी चाहिए, 95 ईडब्ल्यू के लिए, एससी 85 क्वेश्चन, एसटी 74, क्योंकि देखो अगर आपका मान के चलिए कि अगर आपके 10 क्वेश्चन भी अगर गलत हो गए मान के चांस के आने के बाद, तो प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर है तो 4 नंबर तो आपके उड़ेंगे उड़ेंगे, साथ में आपकी नेगेटिव मार्किंग उड़ेगी, ठीक है, और साथ में आपका एक्यूरेसी उड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी उड़ती है, तो इससे कहीं कट ऑफ में गिरावट देखने को मिल सकती है, प्लीज कमेंट कीजिए।